काउंटर कर चुके हैं चंबा के मार्केट से ऋषिकेश की ओर। यहाँ पे आपको 24 घंटे जाम दिखाई देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो यार, उत्तराखंड सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कावड़ियों के लिए। आप ये रहा इसके नीचे छोटा सा स्विमिंग पूल, और यहाँ पे मिट्टी भर चुकी है स्विमिंग पूल में, तो घंटा नहाया जाएगा आज, मुझे लग रहा नहाया जाएगा गाइस। ये सर मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आ रहे हमको। मैं कैसे आऊँगा, बैग है साले मेरे पास। देखिए आप कहाँ से आ रहे हैं मुझे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूकेटी ब्लॉग। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टिहरी टू ऋषिकेश तक का पूरा व्यू, और साथ ही में दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ का मौसम अपनी करवटें बदलता है। हर 2 मिनट से पहले बारिश और 2 मिनट के बाद धूप निकल आती है। और ये गाड़ी परसों यहाँ पीछे यहीं से नीचे गिरी थी, बहुत ही गंदी, फिर इसको ऊपर उठाया गया, यहाँ पे लाया गया था, और इसके ज़्यादा कुछ मतलब हुआ नहीं था। ऊपर का पूरा गायब हो गया था, शीशा वगैरह, ये शीशा वगैरह सब गायब हो गया था गाड़ी का। तो देखिए हम यहाँ इस वाले रास्ते से जाएंगे, सामने दिख रहा होगा आपको सड़क सी, बस वहीं से होते हुए जाएंगे हम। और यार ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है यार, क्या करो इस आवाज़ का। वाह यार क्या व्यू है भाई, एक नंबर व्यू। और गाइस देख सकते हैं आपके इतने खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा है हमारा खूबसूरत सा टिहरी शहर। दोस्तों हम निकल चुके हैं चंबा के मार्केट से ऋषिकेश की ओर। यहाँ पे आपको 24 घंटे जाम दिखाई देगा, और ही खतरनाक वाला ऐसे जाम में चलते रहते हैं यार, तो सर मछली में राइड रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यार ज़्यादातर व्यू ही दिखाई देंगे, क्योंकि वीडियो बनाते समय ना आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी, खरखर खरखर से ज़्यादा हो रहा था यार, जिसके कारण हम वो वाली व्लॉग का डाल नहीं पा रहे थे ठीक से। और फिर इसको जब कर रहे थे तो आवाज़ पहले आ रही थी और साउंड बाद में आ रहा था, जिसके कारण हमने वो वाला फेस का डाला ही नहीं। तो आप ज़्यादातर व्यू पर ही फोकस करें और हम व्यू ही डालेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, मजे लें वीडियो। बहुत सारी गांव को मिलाती है पुरानी रोड, फिर उनकी साइड हो गया ऊपर खांगर हो गया, बहुत रोड को मिलाती है। और यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था कुछ दिनों पहले, बहुत ही खतरनाक वाला, तो जिसके कारण पूरी मिट्टी रोड पे आती हुई और कीचड़ कीचड़।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यार, उत्तराखंड सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कांवड़ियों के लिए। तो देखिए आप, ये रहा इसके नीचे छोटा सा स्विमिंग पूल, और यहाँ पे मिट्टी भर चुकी है स्विमिंग पूल में, तो घंटा नहाया जाएगा आज, मुझे लग रहा नहाया जाएगा गाइस। ये सर मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आ रहे हैं हमको। मैं कैसे आऊँगा, बैग है साले मेरे पास। देखिए आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ बता गया रहा। हाँ कान क्या, ऊपर का व्यू यार खतरनाक। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा व्यू, और हम यहाँ पे नहा चुके हैं, बहुत ही ठंडा पानी है यार, बहुत ठंडा लग रहा। और देखिए सामने कितना प्यारा व्यू, और ये ऊपर का व्यू, वाह यार एक नंबर व्यू है भाई साहब। और आप जब भी कभी भी रानी पोखरी होते हुए आओ तो यहाँ जरूर आना नहाने के लिए। रानी पोखरी से पहले एक ब्रिज आता है, बस वहीं पे है। और ये खूबसूरत वादियों के बीच से हम निकलते हुए, वाह यार कितना प्यारा, कितनी खूबसूरत सी जगह, देखिए आप बहुत ही प्यारी यार। और गाइस देखते देखते हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में एंटर होते ही दिखते हैं हमको ये विक्रम, जिसमें बैठे हैं कांवड़िया। और यार कांवड़े बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, देखिए कैसे सो रखे हैं विक्रम के अंदर। तो कुछ इस प्रकार का मौसम है यहाँ का, न बारिश हो रही है न धूप है, सही है एकदम मस्त मौसम। तो दोस्तों अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो यार वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को जो इस चैनल में नए हैं, और आने वाली न्यू वीडियो में देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।